बाजपुर में कांग्रेस की न्याय यात्रा को पूर्व विधायक प्रत्याशी सुनीता टमटा के नेतृत्व में सैकड़ों वाहनों के साथ वेदखेड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र शर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा और विक्रमजीत सिंह गिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुनीता टमटा और उनके काफिले का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं इस बीच पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टमटा ने कहा कि मजदूरों, किसानों और महिलाओं की आवाज के लिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व उनके साथ न्याय करेगा और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें बाजपुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। बाजपुर से संवाददाता मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है उन मेरे नौजवान बेरोजगार भाइयों के लिए और महिलाओं की आवाज़ के लिए, मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। और ये कांग्रेस पार्टी इन सब के साथ न्याय जरूर करेगी और यहाँ बाजपुर की जो जनता है वो मेरे साथ न्याय करेगी। जिस तरह कर दिया कि बाजपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या उसके लिए शक्ति? देखिए, ये जो है कांग्रेस पार्टी से जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो पहले भी कहा गया था कि मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे जो है कार्य कर रही हूँ, क्षेत्र में जन जन की सेवा कर रही हूँ और मुझे उन पूरे जो मेरे शीर्ष नेतृत्व है उन पर पूरा विश्वास है कि जो टिकट की जो दावेदारी जो मैं कर रही हूँ, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ न्याय करेंगे और टिकट मुझे ही देंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।